ओके आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो है ट्रांसमिशन लाइन के टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे और टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन जो है उनको स्टडी करेंगे, यानी ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिनके एंड पे जो है कोई लोड लगा हुआ है, तो फिर उसका क्या अफेक्ट है। रेलेवेंस सेक्शन जो बुक आर सेक्शन 11.4। तो बेसिक टोपोलॉजी जो है जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन का नाम दे रहे हैं, जो है वो यहाँ पे शो की गई है इस फिगर में। तो आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन है जो यहाँ पे जो टू वायर लाइन है, हमने कहा था कि ये स्केमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन को। ट्रांसमिशन लाइन की कोई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जी नॉट है और इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है गामा है, और जो आपके पास वोल्टेज और करंट है ट्रांसमिशन लाइन पे वो फेजर फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, वी एफ सी और आई एफ सी। और हमने कहा था कि जो है वोल्टेज और करंट जो है बेसिकली आपके पास इज सम ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ये लास्ट लेक्चर हम देख चुके हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्ट पे जो है जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई ट्रांसमिशन लाइन होगी, उसके इनपुट पे कोई जनरेटर लगा होगा और आउटपुट पे कोई लोड लगा होगा। तो इनपुट पे हमने एक जनरेटर विद द जनरेटर इम्पीडेंस जेड जी हम शो कर रहे हैं, ये हमने कनेक्ट किया। और आउटपुट साइड पे जो है ट्रांसमिशन लाइन के हमने एक लोड सी एल जो है, जो कि इन जनरल कोई कम्प्लेक्स लोड हो सकता है, तो वो हमने कनेक्ट किया। तो इसको हम बेसिकली जो है जब लोड कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम ये बेसिकली टर्मिनेटिंग इम्पीडेंस लोड हम कहते हैं इसे जो है। तो ये बेसिकली इसको हम टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन कह रहे हैं जब उसको एंड पे कोई लोड लगा होगा। अच्छा, जहाँ पे हमने जी एक्सिस जो है हमने कहा था कि वो जो है वोल्टेज और करंट जो है इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम जो है, तो फेजर फॉर्म में जो है सिर्फ जी डिपेंडेंस शो हुई है। तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने जी जो है अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन लिया, लेकिन ओरिजिन जो है वो हमने कहाँ लेना चाहिए जो है। तो यूजुअल जो प्रैक्टिस ये है कि लोड के एंड पे जो है आप जो है ये जहाँ पे जैसे ये शो हो रहा है ये लाइन जो है यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जीरो जो है हमने कर दिया। तो इससे आगे जो है पॉजिटिव वैल्यू है जी की और उससे पीछे जो है नेगेटिव वैल्यू है। फिर वोल्टेज और करंट जो है लाइन पे जो है हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि वोल्टेज जो है वी एफ सी जो है आपके पास ये सुपरपोजिशन है आपके पास टू वेव्स की, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है जो है और ये आपके पास जो है बैकवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज वेव है। सिमिलरली करंट जो है अगेन इज द सम ऑफ फॉरवर्ड ट्रैवलिंग करंट और बैकवर्ड ट्रैवलिंग करंट वेव, और इसमें जो जी नॉट है जो है आपके पास जो है ये क्या चीज होती है जो? तो बेसिकली यही आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस थी जो है, और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो है अच्छा उसके अलावा जो है ये जो हमारी जो कन्वेंशन है जो है यहाँ पे ये गौर कर लें कि ये जो पूरी चीज है जो है वी नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा जी, उसको इन शॉर्ट फॉर्म में जो है वी प्लस ऑफ जी कह सकते हैं हम, ठीक है, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज। और ये जो है पूरी चीज जो है वी नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ गामा जी, उसको शॉर्ट नोटेशन में वी माइनस ऑफ जी लिख सकते हैं। तो अगर हम जैसे जी डिपेंडेंस ना शो करें तो हम सिंपली लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टाइप नोटेशन होगी, ऑब्वियसली अगर आप जी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरह जो है आई ऑफ जी जो है वो भी आपके पास आई प्लस सी और आई माइनस सी जो है ये दोनों का सम है, और जी नॉट जो है यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है जो है वो आपके पास रेशियो ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव एंड फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव है, ये जैसे चीज है जो जैसे फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव क्या थी, ये थी आपके पास, और फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव जो है आपके पास ये है। इनको अगर आप डिवाइड करें जो है तो आप देख सकते हैं कि ये जी नॉट ही आ जाता है। सिमिलरली जो है एक और वे इसको डिफाइन करने का ये है जो है कि बैकवर्ड ट्रैवलिंग जो है वोल्टेज वेव जो है आपके पास अगर ये वोल्टेज लें और डिवाइड कर दें उससे जो है माइनस साइन के साथ जो है ये बैकवर्ड ट्रैवलिंग करंट वेव से जो है, तो वो आपके पास फिर भी जी नॉट आ जाता है। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल वेव कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बेसिकली इंडिविजुअल वेव को जो है डिफाइन किया जाता है इंडिविजुअल वेव पे, और ये काम यूजुअली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हम यूजुअली ये करते हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तो उसको रियली कंसिडर कर रहे होते हैं। तो हमने कहा था कि लाइन पैरामीटर जो है उस पर डिपेंड करता है, तो जी नॉट जो है एल बाई सी होल स्केयर रूट है, एल जो है
इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है और सी जो है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा नेक्स्ट पे हम आप जो है ये जो ये इस पे देखें जो है कि ये वी एफ सी हमने कह रहे हैं कि वी प्लस सी और वी माइनस सी जो है फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज और फॉरवर्ड ट्रेवलिंग जो है करंट यानी बैकवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव है जो है। लेकिन ये जो कोफिशियंट है इसके जो है जो हाईलाइट हुए हैं यहाँ पे वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस, इसी तरह करंट वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें भी वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस आ रहे हैं। ये बेसिकली जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी नॉट प्लस जो है जो कि यहाँ पे आ रहे हैं इज एम्पलीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव एट जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर इसमें जेड इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव है, अगर इसमें z इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये आ जाता है। इसी तरह जो है जो v नॉट माइनस है जो है इज एन एम्पलीट्यूड ऑफ बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव एट z इज इक्वल टू जीरो। तो इस एक्सप्रेशन में आप z इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो एक्सपोनेंशियल आपके पास वन हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएंगे। और ये आपके पास v नॉट प्लस जो है ये रियल होगा कि कम्प्लेक्स होगा जो है, और v नॉट माइनस जो है इन जनरल आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका कोई मैग्नीट्यूड भी हो सकता है जो और कोई साथ में फेज भी हो सकता है। लेट्स से इसको फाई वन कह देते हैं और इसको हम जो है फाई टू कह देते हैं। तो इन जनरल ये कम्प्लेक्स नंबर है जो। अच्छा और ये वही चीज जो है कि अगर आपके पास फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव गिवन हो आपके पास में इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो हम इस पोज कर रहे हैं जो है इस लेक्चर में जो है कि लेट्स से अगर हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे ट्रांसमिशन लाइन पे किसी भी जगह पे वोल्टेज और करंट फाइंड करनी है हमने, उसकी एनालिटिकल वैल्यू यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए जो है डी नॉट लेट्स से हम कहते हैं कि हमें पता है जो है और जो डिस्टेंस जी है जो है जिसपे हमने वोल्टेज और करंट फाइंड करनी है वो भी पता है जो है, इस तरह गैमा बी और जी नॉट जो है ये हमें नॉन क्वांटिटी होंगी क्योंकि आपके पास जब ट्रांसमिशन लाइन कोई गिवन होगी लेट्स से कोएक्सियल केबल तो आपके पास उसकी आर एल सी और जी जो है जो ये पर यूनिट लेंथ फोर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हैं जो है ये आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी पता है तो इसमें जो अननोन है फिर आपके पास ये कोएफिशिएंट रह जाते हैं कि वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस, ये अगर आपको पता लग जाए लेट्स से तो फिर आप सिंपली जो है जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में तो आपके पास वोल्टेज और करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें आंसर करना है कि वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा उसके लिए जो है हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो लोड है आपके पास जी एल जो है और हमने कहा था कि हमने ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जी इज इक्वल टू जीरो पे, तो इस जगह पे जो लोड ZL है जो है उस पे अगर हम वोल्टेज को VL कहते हैं लेट्स से विद दिस पोलैरिटी और करंट एट लोड जो है हम IL कह देते हैं, तो ये जनरल एक्सप्रेशन थी आपके पास वोल्टेज और करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो लोड बाउंड्री कंडीशन जो है आपके पास लोड पे जो है हम VL और IL जो है सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, हम जेड इन इक्वेशन में अगर Z इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि लोड जो है जी इज इक्वल टू जीरो पे लोकेटेड, तो अगर आप जी इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म वन हो जाएंगे जो है आपके पास वी एल बेसिकली वोल्टेज एट दैट इज इक्वल टू जीरो ही है, ये दोनों सेम चीज है क्योंकि लोड हमारा जी इज इक्वल टू जीरो डिफाइंड, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ डिफाइंड है तो उसको हमने वी नॉट प्लस प्लस वी नॉट माइनस जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लिया जाए। इसी तरह जो लोड करंट है आई एल वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो करंट के एक्सप्रेशन है उसमें आई ऑफ जीरो सब्स्टिट्यूट करके, तो अगेन जो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएंगे और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अच्छा अब जो लोड है जी एल जो है उसको इन टर्म्स ऑफ वी एल और आई एल जो है लोड वोल्टेज और लोड करंट डिफाइन किया जा सकता है जो, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जी एल इक्वल टू वी एल बाई आई एल, सो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लोड वोल्टेज एंड टोटल लोड करंट। ठीक है टोटल इसलिए कह रहे हैं कि ये सम ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव दोनों था जो है एट जेड इज इक्वल टू जीरो और ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो ट्रैवलिंग करंट्स हैं जो है उनकी जो है दोनों का सम है जो है।
IL, इसलिए हम ये टोटल का वर्ड यूज कर रहे हैं। अच्छा, हम जन इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो है VL और IL के यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा V नॉट प्लस प्लस V नॉट माइनस, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में V नॉट माइनस माइनस V नॉट माइनस आपके पास इनटू Z नॉट है, तो ZL की ये एक्सप्रेशन बन। नेक्स्ट जो है, हम जो है V नॉट प्लस और V नॉट माइनस को आपस में रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, उस बेसिकली जो है हम क्या कह रहे हैं कि V नॉट प्लस को सॉल्व कर लें हम जो है एज ए फंक्शन ऑफ V नॉट माइनस जो है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे। लेट्स से इसको मल्टीप्लाई करके ZL से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ZL टाइम V नॉट प्लस आ जाएगा पहली टर्म, फिर ZL टाइम V नॉट माइनस सेकेंड टर्म, और ये राइट हैंड साइड पे Z नॉट टाइम V नॉट प्लस एक टर्म और Z नॉट टाइम V नॉट माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा, यहाँ से आप V नॉट प्लस की टर्म जो है, जैसे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इनको कंबाइन कर लें, और V नॉट माइनस वाली टर्म जो है ये दोनों है इनको कंबाइन कर लें, तो आपके पास जो है V नॉट प्लस की टर्म में ZL आना है और माइनस Z यहाँ पे Z नॉट होना चाहिए जो है यहाँ पे। अच्छा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या बनेगा, Z नॉट और ZL जो है ऐड होके V नॉट माइनस के साथ आ जाएंगे यहाँ पे। फिर आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है V नॉट माइनस जो है आपके पास आ जाएगा ZL माइनस Z नॉट डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z नॉट, यहाँ पे अगेन Z नॉट दिया जाए इनटू V नॉट प्लस जो है। सही कर रहे हैं कि नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास, अगर आप गौर करें कि हमने V नॉट माइनस को इन टर्म्स ऑफ V नॉट प्लस एक्सप्रेस कर लिया। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है हम अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो V नॉट माइनस अवर V नॉट प्लस जो है आपके पास ZL माइनस C नॉट अवर ZL प्लस C नॉट आ जाएगा। ये V नॉट माइनस और V नॉट प्लस क्या थे जो है, कोई बता सकता है? ये एम्पलीट्यूड ऑफ बैकवर्ड ट्रैवलिंग जो वोल्टेज वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज वेव, उनकी रेशियो है बेसिकली। अच्छा, यहाँ भी हम डिफाइन कर सकते हैं लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं जो है, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव एट z इज इक्वल टू 0। हमारा लोड जो है हमने डिफाइन किया है एट z इज इक्वल टू 0, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव। रिफ्लेक्टेड वेव क्या थी आपके पास, V नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ जो है गामा Z जो है डिवाइडेड बाय V नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा Z, और ये आपने Z इज इक्वल टू 0 पे देखना है इनकी रेशियो जो है, तो Z इज इक्वल टू 0 पे तो ये एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास V नॉट माइनस अवर V नॉट प्लस आ जाएगा। ये इसको हम जो है गामा एल कह रहे हैं जो है, कि रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वेव एट z इज इक्वल टू 0, जो बेसिकली जो है एट द एंड जो है रेशियो ऑफ जो कोफिशिएंट था जो है फॉरवर्ड ट्रैवलिंग और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज वेव का, उनकी रेशियो बन जाती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल z आपके टर्म 1 हो जाती है। अच्छा, तो ये हमने एक लोड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफाइन किया है, ये बेसिकली आप समझ लें कि यहाँ पे जो है लोड की लोकेशन पे यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन जो हो रही है जो है, उसको हम जो है गामा एल कह रहे हैं एट जेड सी इज इक्वल टू 0 पे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरी चीज को गामा एल कह सकते हैं बाई आवर डेफिनेशन। तो लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा एल इज इक्वल टू जी एल माइनस सी नॉट अवर जी एल प्लस सी नॉट, ये बन जाएगा। अच्छा, इसकी फिजिकल सेंस क्या है लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की, एक चीज तो आप ये देखें कि जी एल और सी नॉट दोनों पे डिपेंड कर रहे थे, यानी Z नॉट क्या थी आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस थी जो, और ZL क्या था जो कि लोड लगाया था एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो डिपेंडिंग ऑन के आपका लोड और Z नॉट की वैल्यू क्या है उस पे गामा एल डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली जो है गामा एल जो है शोज अस हाउ मच वेव इज रिफ्लेक्टेड जो है, कितनी वेव जो है रिफ्लेक्शन हुई है जो है, तो ये जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ लोड इम्पीडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ इम्पीडेंस मिसमैच। अच्छा, उसको समझने के लिए जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं जो है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि
अगर जी एल जो है ये लोड जो इम्पीडेंस जो मैंने ये लोड लगाया हुआ जो एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अगर जी नॉट के इक्वल हो जाए जो तो फिर गैमा एल क्या हो जाएगा जो यानी हम कह रहे हैं कि जी एल जो है वो जी नॉट के इक्वल है जो फिर गैमा एल की वैल्यू क्या होगी जो जीरो ठीक है आपके पास गैमा एल जो है जीरो आ रहा जो अच्छा ये क्या बता रहे हैं फिजिकली आपको जो? बेसिकली आपका नो रिफ्लेक्शन जो केस है जो है ठीक है ये बेसिकली जो है नो रिफ्लेक्शन जो है आपके पास जो है का केस है और उसको आप यानी देखना हो तो आप देख सकते हैं कि ये गामा एल बाय बेसिकली वी नॉट माइनस अवर वी नॉट प्लस वो जीरो है जो है या जिसका मतलब ये है कि वी नॉट माइनस जो है वो आपका जीरो है तो वी नॉट माइनस जो है अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है आपके पास सिर्फ आपके फॉरवर्ड वेव है जो है ये बेसिकली लोड रिफ्लेक्शन जो है यानी अगर जी एल जी नॉट की इक्वल हो जाएगा यानी लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस तो ये वो केस है जब आपके पास नो रिफ्लेक्शन है ऑन द अदर हैंड जो है लेट्स से जी एल इज नॉट इक्वल टू लेट्स से जी नॉट कोई नंबर हो जाता है लेट्स से फॉर आर्गुमेंट से एक हम कहते हैं कि जी एल लेट्स से 100 ओम है जो है और जी नॉट हम कह देते हैं लेट्स से 50 ओम है ठीक है मिस मैच है जो है इक्वल नहीं है जो है तो अब हम अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जी एल माइनस जी नॉट जो है आपके पास गैमा एल जो है क्या निकलेगा जो है 100 माइनस 50 जो है जो कि 50 आ जाएगा और 100 प्लस 50 150 ये तकरीबन 1/3 या 0.333 आ जाएगा इसका मतलब यह है कि आप 33% वेव जो है जो आपकी इंसिडेंट वेव है उसका 33% पोर्शन जो है आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो गैमा एल फिजिकली जो है आपको डिग्री ऑफ इम्पीडेंस मिसमैच बताता है जो है और ये बताता है कि हाउ मच वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक और इसकी वैल्यू जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की अगर आपको याद हो जो है पिछले चैप्टर से उसका मैग्नीट्यूड जो है इज बिटवीन 0 and 1 जो है तो 1 का मतलब है फुल रिफ्लेक्शन और 0 का मतलब है नो रिफ्लेक्शन इन बिटवीन ये कोई भी नंबर हो सकता है इन जनरल गामा एल जो है कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है जो है क्योंकि आपके पास जो है जी एल जो है वो भी कम्प्लेक्स हो सकती है अब इसमें और जी नॉट लेस से अगर वो रियल है भी जो है तब भी जो आपके पास गैमा एल फिर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा सर क्वेश्चन है जी सर ये जो हमारे पास लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ लोड इंपेडेंस पे डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे नहीं डिपेंड करता उसकी फिजिकल यानी जो भी आपके पास लेस से क्या होना कहना चाहिए जो है अगर लेस से एक एंटीना है आपके पास जो है तो उसकी जो है अगर वो वन पोर्ट डिवाइस है जो है तो उसकी आपके पास कोई उसकी अभी थोड़ी देर में हम इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे जो है कॉन्सेप्ट जो है तो वो जो है इस पूरे जो इस चीज़ को हम जो है ये एंटीना विद द ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको हम एक इनपुट इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो है और उसको फिर हम इवेंचुअली जो है लोड के तौर पर ट्रीट करते हैं वो यानी जो भी आपके फिजिकल डिवाइस होगी ना टॉप पे लगी हुई जो होगी वो बेसिकली डिफाइन करेगी जो है कि उसकी आपके पास लोड इम्पीडेंस क्या है अगर आप सिंपली कैपेसिटर लैसे लगा दें जो है तो अब इसलिए उसके बाद रिएक्टिव इम्पीडेंस होगी सिंपल रेजिस्टर लगाते हैं तो फिर आपका रियल इम्पीडेंस होगी तो जो की चीज जो है आप अगर गौर करें जो है कि टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन जो है दे काज रिफ्लेक्शन जो है यानी पार्ट ऑफ वेव जो है आप यानी आपके पास जो वेव जाती है जो है उसका पार्ट ऑफ वेव जो है यानी आपके पार्ट यानी फॉरवर्ड जा रहा है जो है और कुछ चीज फिर रिफ्लेक्शन होती है लोड पे तो कुछ पोर्शन जो है वी माइनस जो है बैकवर्ड आ रहा है इस तरह करंट भी जो है उसका पार्ट फॉरवर्ड है और पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक है तो जो टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन है जब भी जी एल आप लगाएंगे जो है उससे रिफ्लेक्शन होगी और ये फिनोमेना एग्जैक्टली सेम है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रॉम मटेरियल इंटरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस यानी अगर मैं ये एनालॉजी यहाँ बनाऊँ जैसे यहाँ ये मटेरियल 1 है ये मटेरियल 2 है हम ईएम वेव में पीछे हम देख रहे थे कि जब एक वेव जाती है एक मटेरियल 1 से जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जो है और इसकी इंट्रिंसिक इंपीडेंस जैसे ईटा 1 है इसकी ईटा 2 है जो है तो पार्ट ऑफ वेव जो है आपके पास ट्रांसमिट होता था पार्ट ऑफ वेव जो है रिफ्लेक्ट होता है जो है अब एग्जैक्ट एनालॉजी यहाँ भी आप देखें जो है ये मीडियम 1 जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ख्याल में यहाँ पे और मीडियम 2 क्या है जो है इस एनालॉजी में जो है अगर मैं कहूँ 1-to-1 एनालॉजी है सर
जीएल जो है बेसिकली जो है आपके पास जो है ये एनालॉगस है आपके पास जो है कि मीडियम टू यानी जिसकी ईटा टू के आपके पास कस्पॉन्डिंग है जो, और जी नॉट जो है जो ट्रांसमिशन लाइन खुद है जो है ये बेसिकली मीडियम वन को रिप्रेजेंट कर गया एज इफ ये मीडियम वन है और ये एज इफ जो है ये मीडियम टू है जो है। तो जिस तरह मीडियम वन से टू में जाते हुए कुछ पार्ट ट्रांसमिट और कुछ रिफ्लेक्ट होता था, इसीलिए इसी तरह आपके पास जब ट्रांसमिशन लाइन से आपके पास वेव जाएगी जो है कुछ पार्ट जो है ऑब्जर्व करेगा लोड और कुछ पार्ट जो है आपके पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये आपके पास इस तरह एनालॉजी से आप समझ सकते हैं जो है कि जो है ये बेसिक फंडामेंटली जो है ये फिनोमेना सेम है जो है। तो प्लेन वेव फ्रॉम मटेरियल इंटरफेयर एट नॉर्मल डिस्टेंस इज सिमिलर टू दी आपके पास टर्मिनेटर ट्रांसमिशन लाइन, जो कि उसमें भी सिमिलरली आपके पास पार्ट ऑफ वेव ट्रांसमिट होगा पार्ट ऑफ वेव रिफ्लेक्ट होगा। जिस तरह हमने गैमा एल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जी एल माइनस सी नॉट अवर जेड सी एल प्लस सी जी नॉट है, तो ये हमने गैमा एल यहाँ डिफाइन किया था। इसी तरह आप अगर आपको याद हो जो है पिछले चैप्टर में हमने गैमा डिफाइन किया था, वो हम डिफाइन करते थे ईटा टू माइनस ईटा वन और ईटा टू प्लस ईटा वन, ठीक है। तो वो रोल जो है जो इम्पीडेंस जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस रोल प्ले कर रहे हैं, वो वहाँ पे जो है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है मीडियम टू और मीडियम वन की वही रोल प्ले करते थे। लेकिन फंडामेंटली जो है गैमा वहाँ भी जो है रिफ्लेक्शन ही बताता था, यहाँ भी रिफ्लेक्शन ही बताता है। वहाँ भी गैमा जब आपके पास जीरो होता था तो आपके पास कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी, और गैमा वन का मतलब फुल रिफ्लेक्शन है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी अप्लीकेबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर उस क्वेश्चन पे जो वोल्टेज और करंट है जो है हमारी एक्सप्रेशन जो है हमारे पास जो शुरू में हमने लिखी थी जो है, तो हमने कहा था कि वोल्टेज इज द सम ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग एंड बैकवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज, सिमिलरली करंट इज द सम ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग एंड बैकवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव। अच्छा, यहाँ से अब जो है अगर मैं हम वी नॉट प्लस माई कॉमन ले लें जैसे जो है पहली एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा आपके पास जो है इक्वल टू वी नॉट प्लस कॉमन ले लें और आपके पास अंदर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा जी प्लस वी नॉट माइनस आवर वी नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस गैमा जी। ये चीज क्या है जो है ये आपके पास लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है गैमा एल जो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम इन इक्वेशन को जो है इस इक्वेशन से अगर वी नॉट प्लस कॉमन ले लें तो हम इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा जी और गैमा एल टाइम एक्सपोनेंशियल ऑफ गैमा जी लिख सकते हैं। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन से भी आप वी नॉट प्लस और जी नॉट कॉमन ले लें तो ये वी नॉट माइनस और वी नॉट प्लस बन के गैमा एल बन जाएगा। अच्छा, हम ये देख के ये बताएं जो है कि हमने गैमा एल जब डिफाइन किया जो उसका फायदा क्या हुआ, इसमें कितने अननोन थे इस इक्वेशन में? दो अननोन थे, एक वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस थे, ठीक है। आपके पास गैमा एल डिफाइन करने का हमें फायदा ये हुआ है कि अब आपके पास सिर्फ एक अननोन रह गया वी नॉट प्लस, वो अभी हम थोड़ी देर में वो भी डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको याद हो जो है हम स्टार्ट किया था जब हमने जब शुरू में ट्रांसमिशन लाइन तो हमने कहा था वी ऑफ जी इज वी नॉट प्लस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा जी और वी नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस गैमा जी था, और करंट की एक्सप्रेशन ये होती थी हमारे पास आई नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा जी और आई नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ गैमा जी। हमारे पास फोर अननोन थे बेसिकली, वी नॉट प्लस, वी नॉट माइनस, आई नॉट प्लस और आई नॉट माइनस। फिर हमने एक जी नॉट या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन किया जो है, उसकी मदद से हमने ये हमारे पास दो अननोन बन गए। अब देखें आपके पास दो अननोन है वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस जो है विद द हेल्प ऑफ जी नॉट जो है। अब हमने इसके बाद जो है आज के लेक्चर में हमने एक गैमा एल का रिफ्लेक्शन लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, उसका फायदा ये हुआ है कि अब हमारे पास एक अननोन बन गया वी ऑफ सी वी नॉट प्लस उसमें भी आ रहा है और वी नॉट प्लस इधर भी आ रहा है। तो हमने फोर टू टू और टू से वन जो है फिर अननोन पे आ गए विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जी नॉट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एंड लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा एल। अच्छा, तो V नॉट प्लस, अब क्वेश्चन ये है कि V नॉट प्लस कैसे फाइंड होगा? V नॉट प्लस अगर हमें पता लग जाए तो सिंपली हम जो है V ऑफ C और I ऑफ C एट एनी पॉइंट जो है ट्रांसमिशन लाइन पे हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो V नॉट प्लस जो है हम लेटर ऑन कोर्स इस लेक्चर में देखेंगे जो है कि वो जनरेटर या सोर्स डिटरमिन करता है।
जो आपने सोर्स कनेक्ट किया हो ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पे जो है, और वी नॉट प्लस जो है इन जनरल एक कम्प्लेक्स जो है आपके पास नंबर होगा, एक कॉन्स्टेंट है जो, ये हम जो है इस लेक्चर के एंड पे जो है ये फाइंड करेंगे। और यहाँ पे जो है गैमा एल जो है बाई डेफिनेशन जो है हमने कहा था जी एल माइनस सी नॉट, अब जी एल प्लस सी नॉट है जो, और जो इधर से अगर आप इसको मैनिपुलेट करें जो है, तो अगर आप जी एल और जी नॉट पता हो तो गैमा एल जैसे निकाल सकते हैं, तो आप जो है इसी को मैनिपुलेट करके इस एक्सप्रेशन में भी इसको लिख सकते हैं कि जी एल जो लोड इम्पीडेंस है जी एल वो आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको जी नॉट और गैमा एल पता हो। तो ZL is equal to Z0 1 plus gamma L over 1 minus gamma L, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ये आपके पास यानी एक इक्वेशन से आज दूसरे इक्वेशन भी ड्राइव की जा सकती है। अच्छा, अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन करने लगे हैं इनपुट इम्पीडेंस का। अच्छा, लेट्स से आपके पास ये एक लोड लगा हुआ है ZL जो है एट Z is equal to zero, और ट्रांसमिशन लाइन जो है एक कनेक्ट कर रहे हैं हम लोड को और आप जो है जनरेटर को जो है या सोर्स को जो है, और ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है वो एल है जो है, और यहाँ से देखते हुए लेट्स से ट्रांसमिशन लाइन की इनपुट पे जो है हम एक इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन कर रहे हैं, इनपुट इम्पीडेंस लुकिंग टुवर्ड्स लोड या राइट हैंड साइड पे जो है, ठीक है। तो हम बेसिकली जो है इस साइड पे जो है राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड अब मैटर नहीं करती। तो ये जी एन हमने फाइंड करनी है जो है, तो आपके ख्याल में ये क्या होनी चाहिए जो है, क्या वो जी एल की इक्वल होगी या जी एल की इक्वल नहीं होगी जो, यानी जी एल लगाया एक सिंपल ट्रांसमिशन लाइन लगाई है और जार पे जी एन देख रहे हैं, तो जी एन आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए जो है। अच्छा, एक चले हमारे पास एक आंसर आ गया कि ये शुड बी जी एल प्लस सी नॉट होनी चाहिए, और एक शायद आंसर ये भी हो सकता है कि शायद जी एल ही होनी चाहिए जो, कोई और आंसर है जो। इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लोर करते हैं जो, ठीक है, कि ये जो है अगर एक सिंपल ट्रांसमिशन लाइन, अगर सर्किट थ्योरी होती ना तो सर्किट थ्योरी में तो आप ये कर देते ना, हम कहते लेंथ मैटर नहीं करती जो, आप जितनी मर्जी लाइन लगा दें जो है तो लेंथ डज नॉट मैटर, आप सिंपल कहते हैं कि जी एन इज इक्वल टू जी एल। लेकिन यहाँ पे आप देखना है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो है जब हाई फ्रिक्वेंसी है जो है तो फिर क्या होगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो हम जो है इनपुट इम्पीडेंस पहले डिफाइन करते हैं जो है, कि इनपुट इम्पीडेंस एट एनी पॉइंट ऑन ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं जो है, जी एन जो है वोल्टेज और करंट की रेशियो होगी ना आपके पास जो है इम्पीडेंस जो है इन जनरल जो है, तो जी एन जाकर अगर ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पे हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं जो, तो आपने करना क्या है कि वी एन जो है यहाँ पे अगर वोल्टेज को मैं वी एन कह दूँ और यहाँ पे करंट को आई एन कह दूँ, तो वी एन डिवाइडेड बाई आई एन जो कि आपके पास जो है सेम चीज़ है, क्योंकि ये हमने ओरिजिन आप जेड इज इक्वल टू जीरो यहाँ डिफाइन किया है, ये जेड इज इक्वल टू माइनस एल है, तो आप वोल्टेज जो है आप जेड इज इक्वल टू माइनस एल पे और करंट जो है जेड इज इक्वल टू माइनस एल जो है उसको डिवाइड करें जो है, तो ये वन एंड सेम थिंग है बेसिकली, वी एन इज द सेम थिंग एज वी ऑफ माइनस एल और आई इज सेम एज आई ऑफ माइनस एल। अच्छा, तो ये हमने जी एन डिफाइन कर ली कि मैथमेटिकली होती क्या है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता जो है, हमने कहा कि जी एन जो है इट शुड बी अ रेशियो ऑफ वी एन और आई एन या और वोल्टेज एट जेड इज इक्वल टू माइनस एल डिवाइडेड बाई करंट एट आई इज इक्वल टू माइनस एल। अच्छा, और हम क्या कह रहे हैं कि इनपुट इम्पीडेंस सीन लुकिंग टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लोड, इसका हम टर्म यूज करते हैं विच इज द सेम एज लुकिंग टू द राइट। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं जो है, हमने अभी तक तीन इम्पीडेंस डिफाइन किए हैं जो है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस एंड इनपुट इम्पीडेंस, उससे बेहतर इसको हम बेसिकली एक दफा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं जो है, ताकि आपको लेटर ऑन जो है फिर कन्फ्यूजन ना हो। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो आपके पास जो है वो क्या होती है आपके पास, तो बता सकता है जी नॉट जो है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि रेशियो ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव और फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव जो है, ठीक है, या आपके पास बैकवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव या आपके पास बैकवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव जो है विद एन एक्टिव साइन,
ये समेशन पे नहीं है जो आपके पास, जो है आपका एक वेव पे डिपेंड करता है जो, यानी आपके पास या तो आप फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज या फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव की रेशियो ले लें, या बैकवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव और बैकवर्ड ट्रेवलिंग करंट की रेशियो ले लें, और ये जी नॉट जो है इट्स एवरीवेयर कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन। लोड इम्पीडेंस जो है वो हमने कहा कि उसको जी एल से डिफाइन किया था, वो बेसिकली जो है आपके पास लोड पे जो है यहाँ पे वोल्टेज जो वी एल है जो है और यहाँ पे जो करंट है आई एल जो है लोड पे जो उसकी रेशियो थी जो है वी एल आवर आई एल जो है, और ये जो कॉन्सेप्ट है जो है और जेड इज इक्वल टू जीरो जब सब्स्टिट्यूट किया था तो ये बेसिकली वी नॉट प्लस आवर वी नॉट माइनस आवर वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट माइनस और ये डिवाइडेड बाई जी नॉट था। ये जो कॉन्सेप्ट है समेशन पे जो है यानी दोनों वेव के सम पे हम कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, एंड लोड इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, इसको डिस्टिंग्विश करें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फॉरवर्ड वोल्टेज या बैकवर्ड वोल्टेज पे डिफाइंड है, ये समेशन पे डिफाइंड है। ऑन द अदर हैंड इनपुट इम्पीडेंस जो है वो आप डिफाइन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की इनपुट पे यानी यानी जी इज इक्वल टू माइनस एल पे जो, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये जी इज इक्वल टू जीरो पे था लोड इम्पीडेंस पे, ये जी इज इक्वल टू माइनस एल पे हम डिफाइन कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पे वी इन डिफाइन कर लें जो है और यहाँ पे आई एन डिफाइन कर लें जो, वी एन बेसिकली इज वोल्टेज एट जेड इज इक्वल टू माइनस एल और करंट इज बेसिकली अ करंट एट जेड इज इक्वल टू माइनस एल, तो फिर हम जेड इन जो है डिफाइन कर सकते हैं इज वी एन और आई एन, और ये भी कॉन्सेप्ट भी समेशन पे वैलिड है। तो लोड इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट समेशन पे वैलिड है। ऑन द अदर हैंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट जो है इज ओनली अ सिंगल जो है आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड वोल्टेज और करंट वेव पे अप्लीकेबल है, वो समेशन पे अप्लीकेबल नहीं है। तो अब जो है हम वापस आते हैं, जो है इनपुट इम्पीडेंस हम फाइंड कर रहे थे, उस क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे कि जी एन जो है वो क्या होगी, क्या जी एल होगी, जी एल प्लस सी नॉट होगी जो है आपके पास, या कोई और नंबर होगा। अच्छा, उसके लिए जो है वोल्टेज और करंट की एक्सप्रेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी जो है कि इट वी एफ सी इज वी नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा सी और गामा एल टाइम वी नॉट प्लस जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ गामा सी, और आई एल जी इस तरह लिखा जा सकता है विद सिंगल अननोन वी नॉट प्लस। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वी इन फाइंड करनी है और आई एन फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इधर से जो? सिंपली z इज इक्वल टू माइनस एल नहीं सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो वी एन और आई एन आ जाएंगे। तो आप इन्हीं एक्सप्रेशन में, जो जनरल एक्सप्रेशन है एज अ फंक्शन ऑफ z जो एनी वेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे अगर जो है आपने वी एन और आई एन फाइंड करना है तो सिंपली आप उस लोकेशन पे z इज इक्वल टू माइनस एल सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये वी एन और आई एन आ गए। अब आपके पास जो है जो इनपुट इम्पीडेंस जी एन थी वो हमने डिफाइन की थी एज अ रेशियो ऑफ वी एन और आई एन, तो आप जो है इन दोनों को डिवाइड कर दें जो है, जब डिवाइड करेंगे जो है तो फिर आपके पास ये वी नॉट प्लस कट जाएंगे जो है और जी नॉट जो है आपके पास नोमिनेटर में आके ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ जो है गामा एल जो है इसको जो है इसको भी मेरे ख्याल में कॉमन लिया हुआ इधर इन्होंने, एक्सपोनेंशियल ऑफ गामा एल अगर यहाँ पे कॉमन ले लेना जो है तो इधर से या न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी यानी, तो फिर आपके पास जो है ये टर्म वन हो जाएगी जो है और ये आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू गामा एल हो जाएगी, और एक्सपोनेंशियल ऑफ गामा एल दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कट जाएंगे। तो आपके पास ये अब जी एन जो है इनपुट इम्पीडेंस विच इज द रेशियो ऑफ वी एन और आई एन जो है उसकी ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया। अच्छा, ये जो चीज है यहाँ पे गामा एल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू गामा एल जो है इसको हम जो है गामा इन कह सकते हैं, इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, पहले हमने एक लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन किया था यहाँ पे जो है गामा एल जो जी इज इक्वल टू जीरो पे जो, तो लोड भी जी एल जी इज इक्वल टू जीरो पे था। अब हम जो है एक इनपुट डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे जो है गामा इन जो है, तो इसको हम जो है ये चीज जो है इसको गामा इन कह रहे हैं। गामा इन जो है अगर फंडामेंटली डिफाइन करना हो
input reflection coefficient, which is the ratio of incident and reflected wave at z is equal to minus l. So z is equal to minus l पे incident wave जो है क्या थी आपके पास v naught plus exponential of minus reflected and incident wave होनी चाहिए ना आपके पास ratio of reflected and incident wave. Reflected wave थी v naught minus exponential of प्लस गैमा सी डिवाइडेड बाय आपके पास वी नॉट प्लस जो आपके पास क्या कहना चाहिए ये रिफ्लेक्टेड वेव है ये इंसिडेंट वेव है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा सी ये अब इवेल्युएट करना है आपने जी इज इक्वल टू माइनस एल उसको हम कह रहे हैं गैमा इन तो इसमें क्या बन जाएगा जो है ये वी नॉट माइनस और वी नॉट प्लस तो गैमा एल था जो और ये जो आपके पास जब माइनस एल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा एल आ जाएगा और जब इधर करेंगे तो प्लस और ऊपर जाके फिर तो ये टू आ जाएगा ये बेसिकली इसीलिए ये चीज गैमा एल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू गैमा एल इसको हम गैमा एन कह रहे हैं ये इनपुट पे जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है तो जिस तरह हमने इनपुट इंपीडेंस डिफरेंट डिफाइन की थी इसलिए इस तरह रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी हम डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं तो एक दफा मैं सारे सबको रिलेट कर दूं जो है कि जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है इज अ रेशियो ऑफ reflected and incident wave at any point on the transmission line. यानी कोई भी point ले लें जैसे इस point पे मैं कहूँ कि आपने reflection coefficient find करना है तो आपने क्या करना है reflected wave और incident wave की ratio ले लेनी है at that point. इसको हम कहेंगे generalized reflection coefficient है at any point. उसको हमने gamma से define किया हुआ है. अच्छा फिर हमने एक load reflection coefficient define किया गैमा एल जो है जो कि लोड की लोकेशन लोकेशन या z इक्वल टू जीरो पे है जो इस एक्सप्रेशन में अगर z इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें अगर तो आपके पास जो है वो गैमा एल या लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बन जाता है और इसी तरह जो कि बाय डेफिनेशन वी नॉट माइनस और वी नॉट प्लस था जो ऑन द अदर एंड जो है अगर आप इनपुट जो जहाँ पे आपने इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर रहे हैं या इनपुट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे गैमा इन डिफाइन कर सकते हैं जो इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वो आप क्या करेंगे जो है जो जनरलाइज्ड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की आपकी एक्सप्रेशन है ये जो है लोड रिफ्लेक्शन के लिए आपने z इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे लोड लोकेशन जो है और इनपुट इम्पीडेंस के इनपुट के लिए जो है आप इनपुट ऑफ द लाइन जो है जहाँ लोकेटेड है z इक्वल टू माइनस एल वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ वो फिर आपके पास जो है गैमा इन जो है गैमा एट z इज इक्वल टू माइनस एल आ जाएगा तो ये आपके पास यही हमने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया था रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये जनरल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसी में z इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो लोड की लोकेशन पे हम पहुंचते हैं वो लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है और उसी में अगर z इज इक्वल टू माइनस एल सब्स्टिट्यूट करें तो उसको हम गैमा इन कह रहे हैं अच्छा जहाँ पे एक चीज मुझे बताएं जो है कि जो जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है गैमा एल है और गैमा इन है जो है अच्छा इसमें अगर आप गौर करें जो है तो सबका जो है मैग्नीट्यूड जो है एक जैसा है कि नहीं जो वैसे Yes, sir. तो आपके पास एक जो ऑब्जर्वेशन है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड जो है इज सेम एवरीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ उसका फेज चेंज होता है यानी लोड पे जो है लोड पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर गैमा एल था जो है तो इनपुट पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है उसका मैग्नीट्यूड गैमा एल ही है लेकिन उसके साथ जो है एक फेज टर्म आई है जो है यानी अगर आप लास्ट लास्ट लाइन कंसिडर करें ना तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस जे टू बीटा एल लिख सकते हैं ठीक है गैमा जो है जे बीटा बन जाएगा ये बीटा एल क्या बता रहा है जो है कोई बता सकता है जो ये कोई एंगल है आपके पास जो है गैमा एल जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे सम थीटा ईटा कहते हैं जो ठीक है तो ये आपके पास और टू और एक टू का फैक्टर भी है इसके साथ जो बेसिकली एक कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास गैमा एल विद द एंगल ऑफ टू थीटा ईटा जो ये टू का फैक्टर क्या कर रहा है जो ये क्या बता रहा है कि एक दफा जब आपको फेज आपके पास इंट्यूटिवली आप इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था उसका फेज जीरो था लेट्स से जब वेव इधर से इधर इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में क्या होगा कि आपकी वेव जो है इंसिडेंट होगी जो है वो ट्रेवल करेगी एक लेंथ ऑफ डिस्टेंस एल जो है उसकी वजह से एक फेज आएगा माइनस बीटा एल जो है फिर जब ये वापस जाएगी वेव जो है एक और आपके पास फेज आएगा जो है माइनस बीटा एल जो है तो टोटल जो फेज जो है वेव को जो फ्रॉम दिस पॉइंट टू बैक ऑन द सेम पॉइंट जो है वो टोटल फेज जो है
वो फिर माइनस टू बीटा एल है जो है, माइनस टू बीटा एल जो है, इसलिए फिर जो है ये टू का फैक्टर ये बता रहा है फिजिकली। तो की चीज जो है आपने याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम है थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन आपके पास डिपेंडिंग ऑन के कहां आप देख रहे हैं जो है फेज चेंज हो सकता है। और गामा एल जो है वो रिलेटेड है लोड इंपीडेंस और जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है जी नॉट से। और जब अगर आपको गामा एल पता हो जो है तो आपको कहा जाए कि जी एल क्या होगी जो है, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं जो है इस एक्सप्रेशन से के, इसको मैनिपुलेट करके जी एल इज इक्वल टू जी नॉट वन प्लस गामा एल और वन माइनस गामा एल। इसी तरह अगर आपको गामा इन पता है जो है, गामा इन जो है हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जो है, जेड इन जो है जो हम इनपुट इम्पीडेंस जो हम फाइंड करना चाह रहे थे जो है लुकिंग एट दिस पॉइंट, जेड इन माइनस जेड नॉट और जेड इन प्लस जेड नॉट, ठीक है, ये हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ये अगर आपको पता है जो है तो फिर आप जो है इसकी मदद से इनपुट इम्पीडेंस जो है जेड इन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सिमिलर एनालॉजी। तो ये हमारी एक्सप्रेशन थी जी एन की जो है, हम यानी अगर इस स्लाइड से पीछे जाए ना जो है, तो हम क्या कर रहे थे मैं जरा दोबारा देखते हैं। तो हमने क्या किया था कि हमने जी एन फाइंड करना चाह रहे थे, हमने कहा था वी एन और आई एन की रेशियो है जो है, तो हमने वी एन और आई एन की एक्सप्रेशन जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट की जो है, और यहाँ से जो है हमने ये एक्सप्रेशन बनाई थी कि जी एन जो है जी नॉट वन प्लस गामा एल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू गामा एल और वन माइनस गामा एल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू गामा एल, और इसको हम गामा एन भी कह रहे थे। अच्छा, तो अब आपके पास जो है वही एक्सप्रेशन पे हम वापस आए हैं जो है ये एक्सप्रेशन जो है। अच्छा, अब जो है इसमें गामा एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गामा एल जो है हमारे पास था जेड एल माइनस जेड नॉट और जेड एल प्लस जेड नॉट, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दें। उसके बाद जो है फिर आप कुछ और मैनिपुलेशन करें, लेट्स से इधर से एलसीएम ले लें जो है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ जो गामा एल है जो है वो आपके पास प्लस गामा एल जो है, लेट्स से कॉमन ले लें जहाँ पे जो है, तो आपके पास जो है तो ये यानी आप फिर कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बाद जो है इवेंचुअली आपके पास एंड रिजल्ट जो है ये एक्सप्रेशन आएगी जो है जी एन जो है इनपुट इम्पीडेंस लुकिंग टुवर्ड्स द लोड और टुवर्ड्स राइट जो है इज इक्वल टू जी नॉट जी एल प्लस जी नॉट टेन हाइपरबोलिक गामा एल और जी नॉट प्लस सी एल टेन हाइपरबोलिक गामा एल आ जाएगा। अगर हम लॉसलेस लाइन का केस कंसिडर करें जो है वहाँ पे गामा जे बीटा होता है, तो टाइम हाइपरबोलिक ऑफ जे एक्स जो है इज इक्वल टू जे टाइम टेन टेन एक्स जो है, ठीक है, हाइपरबोलिक खत्म हो जाता है फिर उसमें। तो अब आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन फिर जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी जो है, तो आपके पास जो है यहाँ पे देखें जो है हाइपरबोलिक खत्म हो गया जो है, और जो है आपके पास यहाँ पे जे आ गया जो है, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है जो है इनपुट इम्पीडेंस की लुकिंग टुवर्ड राइट टुवर्ड लोड जो है, ये एक्सप्रेशन कहलाती है आपके पास इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन जो है जो शुरू में हमने पोज किया था कि व्हाट इज इम्पीडेंस जी एन लुकिंग टुवर्ड्स लोड जो है, क्या वो जी एल होगी, जी एल प्लस जी नॉट होगी या कुछ अब आपके पास जी एन इज इक्वल टू ये कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। तो इधर से आपका क्या ख्याल है जो है, क्या जी एन जो है जी एल की इक्वल है कि जी एल प्लस जी नॉट की इक्वल है, वो दोनों एग्जम्पशन जो है ठीक थी कि नहीं जो है। नो सर, दोनों ही गलत है जो है, ठीक है, ये एक जनरल आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड जो है आपके पास ये एक्सप्रेशन है जो है जो कि आपको जो आपके रिलेट करेगी जो है इनपुट इम्पीडेंस जो है आपके पास जो है क्या रिलेशन बनेगी। अच्छा, यहाँ से अगर आप इंटूटिवली जो है अच्छा, तो हम बेसिकली जो है इधर से हम देख के हम ये बता सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन जो है हम ये कर सकते हैं, एक तो ये कि जी एन जो है इनपुट इम्पीडेंस इज नॉट इक्वल टू जी एल, ठीक है, वो तो स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड नजर आ रहा है जो है कि जो भी लोड लगाएंगे जो है वो अपियर नहीं होगा इनपुट इम्पीडेंस, इनफैक्ट जो है, और इसकी रीजन क्या जो है कि ट्रांसमिशन लाइन इज पार्ट ऑफ सर्किट। अब हम सर्किट थ्योरी पे नहीं, हम हाई फ्रिक्वेंसी पे जब बात कर रहे हैं जो है, तो ट्रांसमिशन लाइन इज अ पार्ट ऑफ सर्किट, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं जो,
अच्छा, उसकी वजह से जो इन जनरल जी एन है जो है आपके पास इज अ फंक्शन ऑफ जो है, आप देखें लोड जी एल पे भी डिपेंड करता है, लोड का भी फंक्शन है, जी नॉट पे भी डिपेंड करता है जो, और ये देखें टेन बीटा एल जो लेंथ ऑफ लाइन जो है उस पे भी फंक्शन है, तो इन तीनों का ये फंक्शन है जो है आपके पास जी एन पे। और जी एन का जो कॉन्सेप्ट है जो है उसको हम एक और यूजफुल जो है आपके पास उसको उसका ये एक और यूज जो है उसका ये है कि आप उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ये जो लेस इनपुट इम्पीडेंस जो है हमने कहा था कि इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन की, तो लेस हमने कैलकुलेट कर ली जो है एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा आपके पास। अब अगर आपके पास जो है जब आपने कैलकुलेट कर लेते हैं जो है तो फिर इस पूरे सर्किट को, ये पूरा जो सर्किट है जो है राइट हैंड साइड पे जो, उसको आप सिंपली जो है उस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल लोड से जी एन से। इस तरह आप जो है, और यहाँ पे फिर आप अपने सर्किट थ्योरी लगा सकते हैं जो है, क्योंकि आप जो लेंथ ऑफ लाइन जो है यहाँ मैटर नहीं करती जो है, क्योंकि लेंथ है ही नहीं यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है आप बना सकते हैं जो है एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का यूजिंग जेड एन जो, और जेड एन जो है इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होती है। ये हमारे पास समरी है जो है इनपुट इम्पीडेंस की जो है कि जेड इन जो है आपके पास जो है एक एक्सप्रेशन हमने कहा था कि जी नॉट वन प्लस गैमा इन और वन माइनस गैमा इन है जो है उससे निकाली जा सकती है, यानी अगर गैमा एन पता है जो आपके पास तो हम निकाल सकते हैं, और गैमा एल जो है आपके पास ये था जेड एल माइनस सी नॉट और जेड एल प्लस था, और गैमा एन क्या था आपके पास जो है वही गैमा एल था और एक्सपोनेंशियल ऑफ जो है माइनस टू गैमा एल जो, उसमें कोई फेज टर्म आती है। अच्छा, तो आपके पास जो है जेड एन की एक एक्सप्रेशन ये है जो है फाइंड करने का तरीका कि गैमा एन गैमा एल पता हो, सबसे पहले गैमा इन एल फाइंड करें लैसे मैथ स्टेप वन, उसके बाद गैमा इन फाइंड कर लें इसको लैसे स्टेप टू कहते थे, और उसके बाद जो है जहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करके जेड इन फाइंड कर लें, ये एक तरीका है जो है फाइंड करने का। ये हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो ये हम एक मेथड ये यूज करेंगे। जो सेकेंड मेथड क्या है जो है कि आप जो है ये इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यूज कर लें जो हमने ड्राइव किया, स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप जेड इन अगर फाइंड करना चाहते हैं लुकिंग टुवर्ड राइट हैंड साइड जो है टुवर्ड लोड जो है, तो आप सिंपली ये एक्सप्रेशन यूज करें उसमें जी एल की वैल्यू और जी नॉट की वैल्यू, और इसमें जो है ये डी जो है या एल जो है ये आपके पास लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये एक और मेथड है, इसको मेथड टू कह देते हैं। इस तरह आप इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर मेरे ख्याल में जो है अभी इसको थोड़ी देर में एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट की, उसके बाद जो है फिर उसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। क्या टाइम हुआ जो है 2:18 हुए हैं जो है, तो लेट्स से 2:25 पे जो है ना हम दोबारा स्टार्ट करते हैं फिर।